సిద్ధాంతాలపై రాజీపడ్డ శివసేన ఛత్రపతి శివాజీ గురించి మాట్లాడటం మానుకోవాలని కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ సూచించారు. మహారాష్ట్ర పరిణామాలపై ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రవిశంకర్ ప్రసాద్ బీజేపీతో 30 ఏళ్ల బంధాన్ని శివసేన తెంచుకోవడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయడం కాదా అని ప్రశ్నించారు. छत्रपति शिवाजी की तो उचित है कि राज्यपाल जी ने तीनों पार्टियों को बुलाया, भाजपा को बुलाया, संख्या उस समय नहीं थी, शिवसेना को बुलाया कि अभी हम और समय दीजिए, एनसीपी ने कहा अभी हम समय और दीजिए. आज इतने दिन हो गए तो सुबह में भाजपा और अजीत पवार के साथ जो पूरा एनसीपी का तबका है उसने अपना आवेदन दिया कि हमारे पास बहुमत है. एक सवाल मैं कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना से पूछना चाहूंगा, क्या एक भी उनका आवेदन राज्यपाल के पास था? इन द मॉर्निंग अपार्ट फ्रॉम द कलेक्टिव क्लेम ऑफ द बीजेपी एंड अजित पवार लेड एनसीपी शोइंग ए क्लियर मेजॉरिटी नंबर्स, देयर वॉज नो काउंटर क्लेम प्रेजेंट बिफोर द गवर्नर. तो आपको बुलाया जाएगा तो आप दावा करेंगे नहीं, आप लिखित रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, आप समय पर समय मांगेंगे, तो क्या एक बड़ा प्रदेश इसी प्रकार से चलता रहे?